ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रदीप रतन ने नादौन के विधायक से इस्तीफे की मांग की है। प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि नादौन के विधायक झूठ बोलने में माहिर है, वह बेवजह कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष की छवि बिगाड़ने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष पर लगे खनन के आरोपों को नकारते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रदीप रतन व एडवोकेट के एस भारती ने सीधे सीधे नादौन के विधायक से इस्तीफा मांगा है, जिससे नादौन विधायक कांग्रेस के निशाने पर आ गया है। प्रदीप रतन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू का राजनीति जीवन खुली किताब है। उन्होंने कहा कि वे 2007-08 में अपनी आय को स्रोतों सहित सार्वजनिक कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी विधायक ने मीडिया के माध्यम से कहा था कि सुक्खू ने 760 कनाल जमीन खरीदी है, जिसे बीते विधानसभा चुनावों में नहीं दर्शाया गया है। परंतु हम उनको ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के पास सिर्फ 152 कनाल भूमि है, जिसको हमने शपथ पत्र में दर्शाया है। नादौन के मौजूदा विधायक माननीय श्री विजय अग्निहोत्री जी ने जो आरोप कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के ऊपर संपत्ति के बारे लगाए थे, वो सरासर गलत, बेबुनियाद व तथ्यों के विपरीत हैं। जहां तक उन्होंने किसी 760 कनाल भूमि का हवाला दिया था, वो सरासर गलत है। जबकि भूमि की संपत्ति के बारे में 2012 के चुनाव में हल्फिया अभियान के द्वारा माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपने चुनाव नामांकन पत्र के साथ जो हल्फिया अभियान लगाया, उसमें सारी घोषणा की हुई है कि उनके पास या उनकी पत्नी श्रीमती कमलेश के पास कितनी संपत्ति है, वो सारा ब्यौरा उसमें दिया हुआ है। और उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि नादौन में जितने भी क्रशर चल रहे हैं उनको बंद कर दिया जाए, जिससे नदी के जलस्तर में कोई कमी ना आए। उन्होंने कहा कि यदि वहां की प्रधान चाहती तो एनओसी रद्द कर सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। हाइक महोदय ने ये जो झूठे आरोप लगाए हैं उनके बारे में उनको कानूनी नोटिस भी दिया जा रहा है। और जहां तक पिछले दिनों एक खनन के बारे में कोई समाचार आया था, उसके बारे में मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जिस जगह के बारे में वो खनन के बारे में समाचार आया था, उस जगह की उस गांव की प्रधान भारतीय जनता पार्टी के से संबंधित है। और खनन के मामले में अगर प्रधान जो एनओसी दी गई है पर्यावरण के मामले में, प्रधान ने खनन करने वाले क्रशर मालिक को अगर वो उस एनओसी को वापस ले लेती है तो क्रशर की परमिशन अपने आप रद्द हो जाती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की प्रधान जो है वहाँ की, वो उस क्रशर से अपनी एनओसी वापस क्यों नहीं लेती और उस क्रशर को बंद क्यों नहीं करवाती। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ने बताया कि हम उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई करेंगे जिन्होंने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की छवि को खराब करने का प्रयास किया है। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत भत्ता की रिपोर्ट।